गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमारा टॉपिक चल रहा है बीट्स। हम बीट्स में पढ़ रहे हैं क्या, प्रभाव के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बीट्स। ओके, अब हमने जो खरपतवार के जो सिद्धांत है उसमें पहले नंबर पर पढ़ा था क्या, खरपतवारों की प्रकृति। क्या बड़ा था कि खरपतवारों की प्रकृति, रेगिस्तानी खरपतवारों को रोकथाम के लिए अपन पढ़ा था भैया, यदि रेगिस्तानी मतलब रेगिस्तानी है मतलब जो खरपतवार है सूखा है, जो सूखी जमीन है उनमें खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए क्या करना है, आपको खेत में पानी भर देना चाहिए जिससे क्या खरपतवारों की जो वृद्धि क्षमता है वो अवरुद्ध हो जाती है, नहीं कर पाते हैं। और यदि जमीन में भूमि है तो उनके लिए क्या करना चाहिए, खेत को उस समय के लिए खुला छोड़ देना चाहिए जिससे कि खरपतवार ग्रोथ नहीं कर सकते। क्लियर, नेक्स्ट पढ़ा था हमने खरपतवारों के जीवन चक्र। ठीक है, खरपतवार के जीवन चक्र में पढ़ा था हमने, एक वर्षीय खरपतवारों को फूल आने या बीज बनने से पहले ही कड़ा रोकथाम रहता है, अर्थात अंकुरण होते ही खेत में छिपाई कर देने से जड़े भूमि में पुनः स्थापित हो जाती है। बीज बनने से पहले ही जो होते हैं जो खरपतवार होते हैं उनको क्या, बीज बनने से पहले ही उनको नष्ट कर देना चाहिए खरपतवार के जीवन चक्र ताकि आगे क्या बढ़े भी। हमने फिर नेक्स्ट पढ़ा था सुसुप्त अवस्था का ज्ञान, देखो खरपतवार को नष्ट करने उनकी सुसुप्त अवस्था में ही नष्ट कर देना चाहिए, अति आवश्यक होता है। क्लियर, हमने नेक्स्ट पढ़ा था खरपतवारों की सहनशीलता, कि भाई खरपतवारों की सहनशीलता क्या क्या होती है। हमने पढ़ा था जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टू फोर्डिंग का। किसका प्रयोग किया जाता है, टू फोर्डिंग का प्रयोग किया जाता है। किसको, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। सत्रह पत्ती वाले जो खरपतवारों की सहनशीलता है उसमें क्या होता है, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टू फोर्डिंग का प्रयोग किया जाता है। और जो ये क्या, जो सत्रह पत्ती के जो खरपतवार होते हैं, सत्रह पत्ती कहते हैं गेहूं सा है, दूब घास है, ये कौन से है, सत्रह पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, वीड्स होते हैं, जो इनको टू फोर्डिंग से नष्ट नहीं किया जाता। क्लियर, इसलिए इस तापमान से रसायन का प्रयोग दलहन तिलहन आदि छोटी मोटी वाले वाली फसलों में नहीं किया जा सकता। तो टू फोल्ड के इसमें दलहन तिलहन है ना, इसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्लियर, नेक्स्ट आती है जनन क्रिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है खरपतवारों का क्या, जनन क्रिया। हमने पढ़ा था खरपतवारों की सहनशीलता। क्लियर, अब इसमें क्या था, कुछ खरपतवार जो बीज द्वारा ही जनन करते हैं, कुछ खरपतवार होते हैं जो क्या होता है, जो बीज के द्वारा ही क्या जनन करते हैं, बीज के द्वारा ही नया पौधा उत्पन्न होता है। जैसे जंगली चौलाई है, जवासा है, कृष्ण नील है, सत्यनाशी, प्यादे आदि, अतः इनके पौधों को यदि बीज बनने से पहले ही नष्ट कर दे। जे ये है जंगली चौलाई, कृष्णनील है, जवासा है, सत्यनाशी है, ये क्या बीज के द्वारा ग्रोथ करते हैं, बीज के द्वारा जनन करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, बीज बनने से पहले ही, जैसे पौधा हो गया उसमें बीज आने से पहले ही क्या करना चाहिए, इनको नष्ट कर देना चाहिए, जिससे क्या होता है जो ये जनन क्रिया होती है ना, ये क्या जो नया होगा पौधा किससे होगा, बीज से उत्पन्न होगा। जो वो बीज है ना वो बीज ग्रोथ नया पौधा नहीं कर पाता है, पौधा
जो खरपतवार वनस्पति के मूल से जनन करने वाले खेत में गहरी जुताई करके छोड़ देना चाहिए, जिससे क्या जो ये खरपतवार है उनको हम क्या नियंत्रण कर सकते हैं। दो प्रकार है, अभी हमने उदाहरण पढ़ा था कि अपना खरपतवार और घन था, उसमें पढ़ा था क्या एक को पढ़ा था खरपतवार होते हैं वो किसके द्वारा जनन करते हैं, एक को खरपतवार बीजों के द्वारा और दूसरा किसमें है वनस्पति भागों के द्वारा। इसके द्वारा वनस्पति भागों के द्वारा। अब जो है जो बीजों के द्वारा करते हैं, तो बीजों के द्वारा करते हैं खरपतवार, तो कुछ खरपतवार जैसे जमीन जो है पढ़ रहे हैं, तो इस सिद्धांत अब पढ़ रहे हैं खरपतवार नियंत्रण चालू हो जाते हैं।
क्या है? जातीय उपयोगिता प्रयोग। अच्छा, जातीय उपयोगिता में क्या होता है? हमें जो हमारी जो मुख्य फसल होती है, जो हमारी मुख्य फसल होती है, हमको उसकी ऐसी जाति उगानी चाहिए, हमें उसकी ऐसी जाति उगानी चाहिए, किस्म उगानी चाहिए जो क्या मृदा में जलवायु के अनुकूल हो। मृदा जलवायु के अनुकूल हो। क्लियर? जाति उपयोगिता में क्या होता है? हमें ऐसी किस्म, ऐसी जाति उगानी चाहिए जिससे हमें मृदा में जलवायु के अनुकूल हो, और वो क्या फसल हमारी जल्दी से जल्दी बढ़े, पैदावार बढ़े, जिससे क्या अगर जल्दी से जल्दी हमारी पैदावार बढ़ेगी तो खरपतवारों को क्या रोकथाम हो जाती है। क्लियर? इससे फसल का अंकुरण बढ़वार अच्छी होगी, तब हम खरपतवारों से पहले निकलेगी, साथ ही जब खरपतवार निकलेंगे तो इससे उनकी बढ़वार रोकने में सहायता मिलती है। देखो जब मरता किसके अनुकूल होनी चाहिए? मृदा बचत वायु के अनुकूल होनी चाहिए। अगर मानो हमारी जो मुख्य फसल की जो भी किस्म है मृदा बचत वायु के अनुकूल है, तो उससे क्या होता है, जो ये क्या जल्दी बर्बाद करेगी, जल्दी अंकुरण करेगी, तो जल्दी बर्बाद होगी। अब खरपतवार के पौधे थोड़ा लेट ग्रोथ करेंगे, लेट बढ़ेंगे, तो इनको क्या खरपतवार के पौधों को वृद्धि को रोक देगी, क्या मुख्य फसल। क्लियर? जो ये रोकने में सहायता मिल जाती है, क्योंकि ये तो बढ़ेगी और खरपतवार छोटे छोटे हो गए, हम पहचान सकते हैं मुख्य फसल कौन सी है। कभी कभी क्या होता है तो अपन पहचान नहीं पाते खरपतवार को, जैसे हमने गहुंसा उगा दिया, क्या उगा दिया? गहुंसा हो, बस छोटे गहुंसा जो गेहूं उगाया तो गेहूं में क्या गहुंसा हो गए, तो हम पहचान नहीं पाते हैं कि गहुंसा कौन सी किस्म है, ये गेहूं कौन सी है। क्लियर? तो इससे क्या हम पहचान दे सकते हैं जो खरपतवार कौन से है और उनकी फसल कौन सी है। क्लियर? तो वृद्धि रोक देते हैं, जाति उपयुक्तता बढ़े, जाति उपयुक्तता में क्या जो उनकी फसल है उसकी जाति ये किस्म किसके अनुकूल होनी चाहिए, मतलब जलवायु के अनुकूल होनी चाहिए। यदि मानो मतलब जलवायु के तो उससे क्या होता है, हमारे जो मुख्य फसल है वो क्या जल्दी से ग्रोथ करती है, जल्दी से वृद्धि करती है, जल्दी से बढ़ती है। तो ये जल्दी से बढ़ती है तो क्या होता है, जो ये खरपतवार है ये जब निकलते हैं तो खरपतवार को रोकने में सहायता होती है, खरपतवार को वृद्धि को रोकने में सहायता मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट आता है बोने की विधि में पौधे की संख्या। नेक्स्ट आता है बोने की विधि, बोने की विधि में पौधों की संख्या। बोने की विधि में पौधे की संख्या से किस तरीके से हम खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। क्लियर? अब ये जो बोने की विधि है उसे कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, देखो फसलों को सही समय पर बोने से बढ़वार सर्वाधिक होती है, देर से बोने से बढ़वार कम हो जाती है और खरपतवारों का प्रकोप अधिक हो जाता है। खरीफ के मानसून में आप से कुछ समय पूर्व बुआई कर देने से खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। देखो फसलों को समय पर बोनी चाहिए, खरीफ की फसल को खरीफ के समय बोनी चाहिए, जल्दी
और रबी की फसल को, रबी के जो रबी का मौसम का आगमन होता है उसी टाइम पे क्या रबी की फसल को बो देनी चाहिए। अगर हम समय पर नहीं बोएंगे फसल को बोते हैं तो उससे क्या होता है तो खरपतवार को अधिक वृद्धि कर लेते हैं। कैसे? फसलों को सही समय पर बोने से क्या होता है, बढ़वा अच्छी होती है। अगर हमने मानो रबी की फसल रबी के समय होती है तो उससे क्या होता है बेटा, जो फसल होती है हमारी क्या होती है, फसल फसल क्या करती है, जल्दी वृद्धि करती है, जल्दी तेजी से बढ़वा करती है। क्लियर? अब देर से बोने पर क्या बढ़वा कम हो जाती है। यदि हम फसलों को समय पर नहीं बोते हैं तो उससे क्या बढ़वा कम हो जाती है, और जब बढ़वा कम होगी तो क्या होगा, उससे क्या होता है फसल थोड़ा ज्यादा करते हैं, और अगर फसल जल्दी बर्बाद हो जाएगी तो उससे क्या होगा, खरपतवार रोक करते हैं तो खरपतवार को बदलते हैं क्या, रोक देते हैं क्या उनकी फसल। ओके, उनकी फसल जो होती है जल्दी पोषक तत्व ग्रहण करती है अत्यधिक और वो तेजी से बढ़ती है, तो खरपतवारों के बीच में क्या प्रतियोगिता होती है, वो प्रतियोगिता नहीं हो पाती है। क्लियर? नेक्स्ट आता है कटाई से चराई। नेक्स्ट टॉपिक आता है कटाई से चराई, तीसरे नंबर पर। कटाई से चराई, अब देखो कटाई से चराई यह अधिकतर क्या होता है, किसान क्या करता है, ये क्या करते हैं किसान पशुओं को क्या खेतों में चराई के लिए छोड़ देते हैं चरने के लिए। क्लियर? कि जो दो घास हो जाती है, जो अन्य खरपतवार होते हैं उनको क्या चरने के लिए छोड़ देते हैं कौन, किसान। अब चरने के लिए किसान छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, अगर अधिक चराई हो जाती है खेत की तो उससे क्या खरपतवार घने हो जाते हैं। देखो दिख रखा है तुम्हारे, ये समस्या अधिकतर चारा गाँव की है, कई बार अधिक चराई से वहां खरपतवार पुनः छा जाते हैं, अतः चारा गाय में क्रमिक चराई की जानी चाहिए, साथ ही सही अवस्था में चराई की जानी चाहिए। देखो ये चारा गाँव की समस्या होती है, दिख रखा है तुम्हारे किसान, तो क्या होता है चारा गाँव में कि किसान के अत्यधिक चराई करवा देता है, अगर अत्यधिक चराई कर देता है चारा गाँव में क्या आता है
फसल चक्र। अब देखो पहले तो कैसे हमने फसल चक्र कहते कैसे हैं। फसल चक्र कहते हैं फसलों को एक जगह कैसे होती है, फसलों को एक साथ क्रम में बोना फसल चक्र कहलाता है। क्या होती है फसलों को एकांतरण क्रम में बोना फसल चक्र कहलाता है। और एक डेफिनेशन होती है फसलों को हेर फेर कर बोना, फसलों को हेर फेर कर बोना क्या कहलाता है फसल चक्र कहलाता है। क्लियर। कुछ खरपतवार फसल विशेष, कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो खरपतवार है ना वो फसल के अनुसार होते हैं। जैसे गेहूं में गेहूं सा, सरसों में सत्यनाशी है ना, ये तो फिक्स है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, यदि किसी खेत में लगातार सही वही फसल ली जाए तो खरपतवार फैलने की सहायता मिलती है। अतः ऐसे खेतों में फसल चक्र बदलाव का खरपतवार नियंत्रण क्या है, मतलब पहले क्या बा लिया हमने गेहूं बा लिया एक बार, फिर हमको जो मौसम आता है दूसरे में क्या बोनी चाहिए सरसों बोनी चाहिए। क्लियर। फसलों को हेर फेर कर बुआई करनी चाहिए जिससे क्या जो खरपतवार होते हैं वो फैले नहीं। फसलों को